हाय फ्रेंड, मैं हूँ रेखा। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे सिंपल और टेस्टी बांगड़ा फ्राई की रेसिपी। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगती है फ्रेंड, और बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है ये। ज़रूर ट्राई कीजिए। कुछ सिंपल इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करके हमने बनाया है, फिर भी ये खाने में सुपर टेस्टी लगती है। वीडियो को पूरा देखिए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं सिंपल टेस्टी ईजी बांगड़ा फ्राई। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हमने 3 से 4 बांगड़ा लिए हैं, बांगड़ा फिश लिया है जिसे हमने अच्छी तरह से धो के सारा पानी सुखा लिया है। चलते फ्रेंड, देखिए हमने फिश पे चीरा लगा लिया था, यानी कि स्लाइड कर यहाँ पे कट कर लिया, ताकि जो हम मसाले इस पे कोट करेंगे ना फ्रेंड, बहुत ही बढ़िया से अच्छी तरह से कोट हो जाएंगे अंदर तक। तो अब हम मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 1 चम्मच हल्दी पाउडर फ्रेंड, और यहाँ पे 2 चम्मच मैं डाल रही हूँ काश्मीरी लाल मिर्च। अगर आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हो तो तीखी वाली लाल मिर्च ले सकते हैं। 1 चम्मच यहाँ पे काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच यहाँ पे चाट मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और 1 चम्मच हमने भुना जीरा लिया है फ्रेंड पाउडर, उसका बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और साथ ही साथ अब हम खटाई के लिए डाल लेते हैं नींबू का रस। फ्रेंड्स, अगर आपके पास नींबू का रस नहीं है तो विनेगर या आप इमली का पल्प का पानी भी डाल सकते हैं, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है फ्रेंड। और अब हम डाल लेते हैं 1 चम्मच बेसन। फ्रेंड, बेसन से जो हमारे फिश में सारे मसाले हैं ना फ्रेंड, वो बहुत ही अच्छी तरह से कोटिंग हो जाते हैं। और नमक स्वाद अनुसार डाल के अच्छी तरह से हम सारे पीसेस पे हम मसालों को अच्छी तरह से रब कर लेंगे फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखिए हमने फिश के ऊपर जो कट किए थे उस पर भी मसाले अच्छी तरह से कोटिंग कर लिया है। देखिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट मसाले फिश पे मसाले ऐड किए। आप चाहे तो बाउल में अच्छी तरह से सारे मसालों को तैयार करके फिश पे रब कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सारे मसालों को अच्छी तरह से फिश पे कोटिंग कर दिया है। अब इसे 10 मिनट के लिए रख देते हैं साइड में, इसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। तो अब हमने यहाँ पे तेल गरम कर लिया है, 1 पाउच इंच के आसपास हमने ऑयल ऐड किया है। इसे हम सैलो फ्राई करेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो फ्लेम को हमने तेल को अच्छे से गर्म हो जाए तो उसे फ्लेम को आपने मीडियम कर लेना है, और फिर आपको फिश के पीसेस को एक एक करके ऐड कर लेना है। मीडियम फ्लेम पर कुछ देर से हम छोड़ देते हैं ताकि नीचे से अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। एक बार ये थोड़ा सा क्रिस्प हो जाए ना फ्रेंड, अच्छे से फ्राई हो जाए, फिर आपने इसे अच्छे हल्के हाथों से इसे पलट लेना है। अगर ये नीचे से लग गया है तो बहुत आराम से इसे निकाल लीजिए ताकि फिश के पीछे टूटे नहीं। पलट के इसे हमें मीडियम फ्लेम करके दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो फिर 1 से 2 बार आप इसे अलग पलट कर लेना है ताकि दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आ जाए, थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए। और बहुत ही लो फ्लेम पे आप मछली फ्राई मत कीजिए, क्योंकि अंदर से हार्ड हो जाएगा, ऊपर से मसाले जल जाएंगे। बस देखिए अच्छे से क्रिस्पी हो गई है, इसे हम निकाल लेते हैं बाहर। तो बहुत ही सिंपल रेसिपी है, ऐसे कोई बहुत ही अलग मसाला हमने ऐड नहीं किया है। बहुत खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप इसे एज ए स्टार्टर, एज ए साइड डिश, एज ए चटनी के साथ या दाल राइस के साथ खाएं, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगती है फ्रेंड। सिंपल और टेस्टी बांग्ला फ्राई की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिए। हमेशा की तरह रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।